Like a Hello friends. Question is without actual division, so that x cube minus 3x square minus 13x plus 15 is exactly divisible by x square plus 2x minus 3. What is solution? Firstly,

यक्स क्यूब माइनस थ्री एक्सर माइनस थर्टीन एक्स प्लस फिफ्टीन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री डेट इज जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स फर्स्टली जी ऑफ एक्स को हम इक्वल पुट करके निकाल रहे ले थे लेकिन इसके पहले हम क्वेश्चन बताए थे कि उसमें जी ऑफ एक्स था तो जी वन ऑफ एक्स जी टू ऑफ एक्स पुट किए थे अब यहाँ पे भी स्क्वायर है स्क्वायर हाँ, है अब इसको भी इसी तरह से पुट करेंगे हमें डिवाइड नहीं करना है डिवाइड नहीं करना है बिना डिवाइड किए बता देना है कि ये क्या है एग्जैक्टली exactly डिविजिबल है तो आइए अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं पहले इसको फैक्टराइज कर दें यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है वन है और सी का वैल्यू क्या है माइनस थ्री है तो ए का सी से मल्टीप्लाई करेंगे आई मीन वन का माइनस थ्री से वन का माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा वन थ्री जा ये माइनस थ्री आ गया अब थ्री को फैक्ट्राइज करेंगे थ्री वन जा थ्री ये थ्री और वन आया टू कैसे मिलेगा थ्री में से वन माइनस करेंगे टू मिल जाएगा और थ्री में माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री मिल जाएगा तो इस तरह से थ्री और माइनस वन नंबर मिल जा रहा है तो ये के स्पेस पे थ्री एंड माइनस वन पुटअप कर दें एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लें बचेगा क्या एक्स प्लस थ्री माइनस कॉमन ले लें बचेगा एक्स प्लस थ्री अब एक्स प्लस थ्री कॉमन ले लेते हैं तो यहां से यह क्या हो जाएगा एक्स और ये क्या हो जाएगा माइनस वन अब दियर फोर ट कर ले। जी वन आफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एंड जी टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अब आप ये जानते हैं कि अगर सपोज डेट सिक्स को लेते हैं सिक्स का एटीन से सिक्स एटीन डिवाइड कर रहे हैं सिक्स थी जा एटीन कट गया तो डिविजिबल हो गया एटीन क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल है किस से सिक्स से अब सिक्स को हम फै सिक्स की लिए देखिए ध्यान दीजिएगा सिक्स को हम फैक्टराइज कर रहे हैं अगर सिक्स को फैक्टराइज कर रहे हैं तो टू इंटू थ्री मिलेगा तो अब टू से भी डिविजिबल होगा थ्री से भी डिविजिबल होगा अब टू से भी डिवाइड करके देख लेते हैं टू नाइन जा एट्टीन टू से भी डिवीजल हो गया और थ्री है ना थ्री से भी डिवाइड करके देखते हैं थ्री नाइन थ्री सिक्स जा एटीन ये थ्री से भी डिवीजल हो गया मतलब अगर सिक्स से डिविजल था एटीन सिक्स से डिविजल था तो सिक्स के मल्टीपल में टू और थ्री आया तो टू से भी डिविजल हुआ और थ्री से भी डिवीजल हुआ ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा कि इससे डिविजिबल है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री से डिविजिबल है करजैक्टली इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री तो अब इसका प्रोडक्ट देखें ये आ रहा है फैक्टर किए तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे भी डिविजिबल है इससे भी डिविजिबल है अगर यही दोनों प्रूव हो जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा जीवन आप जीवन ऑफेक्स डिविजिबल होगा जी टू ऑफ एक्स से दोनों से डिविजिबल हो जाएगा तो जी ऑफियस से भी डिविजिबल हो जाएगा तो आइए अब जीवन ऑफेक्स को लेकर चलते हैं पुट जीवन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाय एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाय थ्री को साइड चेंज कर दे एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री डेट इज द वैल्यू ऑफ एक्स अब देखते हैं अगर यहाँ पर माइनस थ्री पुट करने से ज़ीरो आ जाता है तो डिजिवल well है तो अब पुट अप करते हैं यफ ऑफ माइनस थ्री यफ आफ माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री क्यू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री स्क्वायर माइनस थर्टीन इंटू माइनस थ्री प्लस फिफ्टीन

थर्टी नाइन एंड प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन माइनस फिफ्टी फोर एंड प्लस नाइन फाइव फोर्टीन और थ्री वन फोर वन फाइव कैंसल आउट दैट इज इक्वल टू जीरो देयर फोर ये क्या हो गया जीव ऑफ एक्स इज अ फैक्टर जीवन एक्स क्या हो गया फैक्टर हो गया किसका एफ ऑफ एक्स का तो इस तरह से क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई वन ऑफ एक्स देर फोर एफ ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई जीवन ऑफ एक्स अब जीवन ऑफ एक्स से एक्जैक्टली exactly डिविजुअल हो गया अब आइए जी टू ऑफ एक्स को भी देखते हैं अब क्या करेंगे पुट करेंगे जी टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जैसे जीवन ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट किए थे अब अगेन जी टू ऑफ एक्स को क्या करेंगे जीरो के इक्वल पुट करेंगे माइनस वन डिस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो Q? क्यों? क्योंकि है। दिस कितना हो जाएगा? हो जाएगा? जाएगा। अब अब आगे बढ़ते हैं। अब X का value, हैं। का पुट अप करके सॉल्व करते थर्टीन इंटू वन प्लस फिफ्टीन वन इज इक्वल टू अगर ये जीरो आ जाएगा तो ये भी क्या होगा एक्जैक्टली डिविजल हो जाएगा वन क्यू माइनस थ्री इंटू वन स्क्वायर माइनस थर्टीन इंटू वन एंड प्लस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन बाई सॉल्विंग वन क्यू माइनस थ्री माइनस थर्टीन प्लस फिफ्टीन फिफ्टीन वन सिक्सटीन माइनस थ्री माइनस थर्टीन डेट इज माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो देअर फोर जी टू ऑफ एक्स भी क्या हो गया फैक्टर हो गया तो अब एफ ऑफ एक्स इससे भी डिविजिबल हो गया जी टू ऑफ एक्स फैक्टर है तो एफ ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई जी टू ऑफ एक्स ऐसे ही राइट कर दें एफ आफ एक्स इज एग्जैक्टली एग्जैक्टली डिविजिबल बाई जी टू आफ एक्स देयर फोर अगर एक्स से भी डिविजल हो गया जी टू एक्स से भी डिविजल हो गया तो हम कह सकते हैं इज़ डिविज़िबल बाय जी एक्स। अगर सपोज दैट इससे भी डिविज़िबल हो जाए इससे भी डिविज़िबल हो जाए वन ये हो गया जी टू ये हो गया तो

यफ एफ एक्स के स्पेस पे यफ एफ एक्स राइट कर दें हेंस एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस फिफ्टीन इज एक्जैक्टली इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस x square plus 2x minus 3. x square plus 2x minus 3. x square plus 2x minus 3. That is, two. Thank you.